हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप भी 10th पास पर जॉब करना चाहते हैं मारुति सुजुकी मानेसर में, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग रहेगा, उसी के साथ में आप लोगों को ITI मार्कशीट भी फ्री में मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी ITI मार्कशीट। तो अगर आप भी 10th पास पर जॉब करना चाहते हैं मारुति सुजुकी में, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो इस वीडियो में सारी डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर ऑल स्टेट के जो स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं गूगल क्रोम ओपन कर रखा हूं, आप भी गूगल क्रोम या किसी और भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। और सर्च बार में आप लोगों को सर्च कर लेना है register.co.cubes.com मारुति NCW19, ये सर्च कर लेना है। ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को सिंपली जो है वो फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप लोग ये सर्च नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिटेल्स एंड प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज दिया हुआ है वो 18 से 23 ईयर्स के लिए, और क्वालिफिकेशन जो आप लोगों से मांगा जा रहा है यहाँ पर 10th पास आउट रहना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट नोट्स में दिया हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई, तो 15 अगस्त 2020 10 PM तक ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को होगा और पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों से लिया जाएगा। और साथ में आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो होगा वो प्रोवाइड्स योर मोबाइल नंबर, सेकंड स्टेप में वैलिडेट मोबाइल विथ द OTP सेंड टू योर ऑन मोबाइल, थर्ड स्टेप में है फिल इन योर रिलेवेंट डिटेल्स एंड प्रेफरेंस। इसके बाद आप लोगों को ऑल वेरीफाई बेस्ट तरीके से हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप पूरा तरह से हो जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और जिस ईमेल आईडी को यहां पर आप फिलअप करेंगे उस पर एक मैसेज आएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म वहां पर आप खोल के देखेंगे तो आपका लिखेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इंटर योर ईमेल आईडी, तो सबसे फर्स्ट में आप लोगों को यहां पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो आइए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड स्टेप ये खुल चुका है, फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। तो जिस ईमेल एड्रेस पर आप फिल किए हैं वहाँ पर उस पर आपका OTP जाएगा, तो उसको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आइए फिल कर लेते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो है वो अपलोड पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर क्लिक करके अपना यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स, तो सबसे फर्स्ट नंबर में आप लोगों को यहाँ अपना नाम को फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ फादर्स नेम फिलअप करना है। यहाँ पर जेंडर जो है पहले से सेलेक्ट रहेगा मेल, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस कंपनी में जो है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि इवेंट डिटेल्स, जो इवेंट लोकेशन जो डेट है वो अगस्त कानपुर में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आप लोगों का ईमेल एड्रेस जो फिल करिएगा वो पहले से जो फिल किए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को
मोबाइल नंबर फिल करना है, तो आप लोग जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर फिलअप करिएगा, क्योंकि कंपनी से जब फ़ोन आएगा तो आपके फ़ोन पर लगना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंडलाइन अगर घर का नंबर है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर करेंट एड्रेस जो है, अगर आप अभी जहाँ पर रहते होंगे वहाँ का यहाँ पर एड्रेस डालना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस मान लीजिए आपका यूपी है, अगर आप अभी दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर आपको करंट एड्रेस में दिल्ली का एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस में यूपी का। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आप लोगों को फिल करना है। हाउस नंबर फिल करना है, स्ट्रीट, लैंडमार्क, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब सारी चीज़ आप लोग अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे को नहीं पता चलता कि लैंडमार्क क्या फिल करें। तो अगर आप किसी कंपनी के बगल में रहते होंगे तो उस कंपनी का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं लैंडमार्क में। और अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम है और करंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर आप सिंपली परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस खुद फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स में 10th का जो परसेंटेज है उसको यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे। उसके बाद जिस बोर्ड से आप पास किए हैं वहाँ इसमें फिल करना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस ईयर में आप पास किए होंगे पास आउट ईयर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन जो लेवल है, आप अगर 12th किए हुए हैं तो 12th पर भी यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को यहाँ पर PDF में जो है वो 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ जो है वो PDF में एक ही फाइल होना चाहिए और यहाँ पर 10 MB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर पे आप लोग क्लिक करके PDF में ये फाइल को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट नाउ जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आइए फिल करके बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर इंफॉर्मेशन में जो है वर्कड इन MSIL V4। तो MSIL V4 का मतलब जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आप पहले काम कर चुके हैं या नहीं। तो अगर आप नए हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद नो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप लोगों को PDF फाइल अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करके अपलोड करिएगा वैसे आप लोगों को यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन भी दे देगा। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा, तो आप उसमें ओपन करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपना ईमेल पर चेक कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो ऐसे आप लोगों का ये फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। इतना अगर आप लोग सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिलअप करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें साथ में। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।